हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा रोडवेज से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा रोडवेज आज से पुरानी समय सारणी अनुसार दौड़ेगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा कम हुआ तो रोडवेज प्रशासन की व्यवस्था भी पटरी पर लौट आई है। रोडवेज की सभी बसें अब पुरानी समय सारणी के अनुसार ही रूटों पर दौड़ेगी। रोडवेज प्रशासन ने बसों के संचालन को लेकर पुराना रोटेशन रोस्टर ही लागू कर दिया है। जो बसें कोरोना काल से पहले जिस समय पर चलती थी, उस बस को अब उसी समय अनुसार चलाया जाएगा। कोरोना काल में रोडवेज प्रशासन ने बसों की संख्या काफ़ी सीमित कर दी थी, जिसकी वजह से बसों के संचालन संबंधी नया रोस्टर भी तय करना पड़ा था। रोडवेज के आधे कर्मचारी ही ड्यूटी पर बुलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से भी यात्रियों की जरूरत के अनुसार ही बसों का संचालन उन रूटों पर किया जा रहा था। अब रोडवेज प्रशासन ने सभी रूटों पर बसों की बहाली के आदेश दिए हैं। रोडवेज प्रशासन ने भी बसों का संचालन पहले से निर्धारित समय सारणी के अनुसार करने की व्यवस्था बना दी है। बस स्टैंड पर भी बसों के संचालन संबंधी समय सारणी यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई है, जिससे यात्रियों के लिए भी सफर में सुविधा होगी। बस स्टैंड के सहायक प्रबंधक इंद्र सिंह वर्मा ने रोहतक के हैं, जो उन्होंने बताया कि रोहतक भिवानी के परिवहन बेड़े में शामिल की गई मिनी पिंक बसें और इस किलोमीटर स्कीम की बसों को फिलहाल नहीं चलाया जाएगा। रोडवेज की बसों को पुरानी समय सारणी के अनुसार चलाया जाएगा, जिसके लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। किलोमीटर स्कीम की बसें अभी नहीं चलेगी। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।